फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? और मैं भी अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बस थोड़ा आवाज़ जो है वो भारी भारी आ रहा है और तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है मेरी। तो ये देखिए, आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है ग्रीन कलर की, ये मायके से गिफ्ट मिली है। ये देखिए, ये वाली साड़ी मम्मी ने गिफ्ट दी है, सभी को दिया है, सब सिस्टर को दिया है, ऐसी ही साड़ी सबको मिली है। और मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने यही कलर ले लिया। और अभी देखिए, मैं बाल भी नहीं मतलब कॉम की हूँ, सुबह से बहुत ज़्यादा काम था और फीवर होने के नाते ना वीकनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से मतलब जब बोल रही हूँ ना तो आवाज़ जो है वो लड़खड़ा रहा है और हाथ वाथ भी काँप रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं चली जाऊंगी अपने घर, तो आप सभी को अपने मायके का होम टूर करा दूं कि मेरा मायका मतलब कैसा दिखता है, कैसा है। और सोचा था कि सब सिस्टर से भी मिलवा दूंगी, पर देखती हूँ मिलवा पाऊंगी तो मिलवा दूंगी, नहीं तो मैं आपको आज अपना मायके का टूर कराऊंगी, होम टूर। तो चलिए अभी मैं आपको होम टूर कराती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट का लुक है और ये देखिए यहाँ पे चैनल लगा हुआ है मम्मी के, और पूरा दिखा दो। और ये देखिए वहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये फ्रंट का लुक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए चैनल लगा हुआ है और ये वहाँ से लेकर के जो आपको जामुनी कलर का दिख रहा है ना पेंट, वहाँ से लेकर के यहाँ चैनल तक है। और आगे में अभी गेट नहीं लगा हुआ है, जो आगे है जैसे ऐसे ना दिख। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का ये जो है बरामदे टाइप का है, तो यहाँ पे देखिए कूलर रखा हुआ है और यहाँ पे चेयर यहाँ पे रखती है मम्मी, एक मिनट रखा हुआ रहता है। दो साइकिल है, अभी एक यहाँ पे है बाहर गया हुआ है। यहाँ पे शू रैक है, बाकी जितने लोग का शूज या स्लीपर होता है वो यहाँ पे मम्मी रखती है। और यहाँ कूलर है, और ये सारी जो कुर्सियाँ हैं जैसे कोई गेस्ट अगर आ गए तो बाहर में लग जाती हैं, फिर यहाँ पे रख दी जाती हैं कुर्सियाँ। और आगे रहिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही पीढ़ा घर रहा है, ये छोटे वाले रूम का दरवाज़ा है, पर हम इस दरवाजे से अंदर नहीं जाते हैं, हम हमेशा इसी दरवाजे से। ये दरवाज़ा तब खुलता है जब शादी हो या कोई कथा या कोई फेस्टिवल है, ज़्यादा लोग गेस्ट आए हुए हैं तब ये दरवाज़ा खुलता है, वरना ये बंद ही रहता है। और ये दरवाज़ा हमेशा हम लोग इसी दरवाजे से अंदर एंट्री करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अंदर आते हैं और यहाँ से एंट्री है। और ये देखिए, आ जाओ, तो एक मिनट, तो ये देखिए ये बड़ा वाला हॉल है, इसमें हम सब लोग आज जब हम सब सिस्टर लोग आते हैं तो जेंट्स लोग इस बिस्तर में और फिर मम्मी रहती हैं, और इस बिस्तर पे जेंट्स लोग रहते हैं। यहाँ देखिए बारिश हुआ है तो रुपेश और ईशु जो है भुट्टा भून के खा रहे हैं। और यहाँ पर कूलर रखा हुआ है, टीवी, होम थिएटर वगैरह सब कुछ है, फ्लावर थोड़े से हैं, थोड़ा डेकोरेट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति कुछ इस तरह से देखिए, वो अपने हाथ से छोटी वाली सिस्टर बनाई है, हैंगिंग प्लांटर उसमें मनी प्लांट उसने लगाया है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ वॉल स्टैंड में हुआ है घड़ी, ये हैंगिंग लगा के कुछ इसमें फ्लावर लगाए हुए ब्लू कलर का। ये देखिए यहाँ पर एक वॉच है, और इस पूरी दीवार पे हमारे स्वर्गीय पापा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक लकड़ी की अलमारी है, तो ये ऐसे पहले जब बॉक्स वाली टीवी थी ना तो टीवी यहीं पे रखी जाती थी, जब दीवार वाली टीवी आई है तो वहाँ लग गई है। और ये यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है जैसे कोई छोटा मोटा डिब्बा वगैरह हो उसके लिए। और यहाँ पे एक ये अलमारी है, यहाँ पे बिस्तर वगैरह बुक्स वो सब रखे जाते हैं, और मम्मी ने इसे पर्दे से कवर कर दिया है। और तो फ्रेंड्स, अभी हम लॉबी में आ जा रहे हैं, और लॉबी में मम्मी ने ये फ्रीज रखा हुआ, देखिए लॉबी कुछ इतनी बड़ी लॉबी है मम्मी, देखिए। और यहाँ पे लॉबी में ही मम्मी फ्रीज रखी हुई है, पहले किचन में रखी थी पर किचन में जो है थोड़ा स्पेस कम होने के नाते मम्मी यहाँ पे, ये डबल डोर का ही फ्रीज है, पर इसमें डोर है वो सिंगल है, पर जो इसका हाइट है वो डबल डोर के ही हाइट का है। और यहाँ पे देखिए ये चावल और आटे का ड्रम रखा हुआ है, और ये जैसे पुराने जमाने में लोग अर्गन नहीं टांग देते थे रस्सी का बांध के उस पर, मम्मी ये कभी नहीं हटाती है, तो हम लोग भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं क्योंकि उनका घर है, उनकी मर्जी, वो जैसे चाहे वैसे रख सकती हैं, तो वो इस तरह से कपड़ों को रखना पसंद करती हैं। अलमारी बहुत है घर में,
पर वो ऐसे ही रखना पसंद करती है, बस अपना कपड़ा, बाकी सिस्टर लोग का तो मम्मी को इजी लगता है यहाँ से कपड़े उनको लेना नहाने वो जाते वक्त वो आसानी से ले लेती हैं। उन्हें अच्छा भी लगता है तो हम उनके बीच में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते हैं। उनका घर वो चाहे जिस तरह से अपने कपड़ों को रख सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सब्जी की टोकरी यहाँ पे है और ये पुराने ज़माने का स्टैंड, जो टेबल स्टैंड फैन, टेबल वाला फैन होता था वो फैन है। यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, इसमें कुछ सब्जी है और ये जो अलमारी है ना इसमें कबाड़ है और पर्दा मम्मी लगा दी है, जैसे इसमें रस्सी वगैरह गांव से जो राशन आता है ना तो उसका बोरी वगैरह या मतलब और भी कुछ जो टूटा फूटा प्लास्टिक का आइटम होता है मम्मी ने यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं इसे आपको नहीं दिखाऊंगी खोल के। और लॉबी कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी। यहाँ पे टांग बनवाई है ना, क्योंकि बाल्टियाँ जो है ना वो शादी वगैरह में काम आती है, जैसे नमकीन रखने के लिए, मिठाइयाँ रखने के लिए। तो ये देखिए ऊपर में वो सारी बाल्टियाँ रखी हुई हैं और ये सारे जो राशन आते हैं गांव से ना वो सारे बोरे रखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, अब नहा के मिरर लगाया हुआ है, जैसे कि हम अगर नहा के आते हैं तो उनका बेटी है। यहाँ हर रूम में आपको मिरर मिलेगा क्योंकि हम बहुत ढेर सारे लोग हैं ना, तो मम्मी जगह जगह लगवा दी है कि तुम लोग आना जहाँ मर्जी वहाँ पे अपना मेकअप करो। तो कभी कोई यहाँ मेकअप कर लेता है, कोई वहाँ पे, कोई वहाँ पे, कोई छोटे वाले रूम में। तो अब मैं आपको छोटे अब मैं सेकेंड रूम में एंट्री मारने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जिसका दरवाज़ा मैंने आपको बाहर से दिखाया था ना, जो बंद रहता है फेस्टिवल या कुछ कथा वगैरह होता है तो ही खुलता है। तो ये वो वाला रूम है फ्रेंड। थोड़ा घर जो है ना अस्त व्यस्त है क्योंकि सभी लोग आए हुए हैं, तो बच्चे हैं, कितना भी हम मतलब हम कितना ही घर को साफ़ सुथरा करते हैं ना तो बच्चे इतने सारे हैं कि वो फैला देते हैं। कितना भी हम लोग साफ़ सफाई करते हैं तो घर जो है वो थोड़ा अस्त व्यस्त है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी ने अलमारी रखा हुआ है, इसमें भी देखिए मिरर है। मैंने बोला था ना मम्मी ने हर रूम में मिरर लगाया हुआ है कि जहाँ मर्जी हो वहाँ पे हम मेकअप कर सकते हैं और फुल लुक अपना देख सकते हैं कि मतलब कपड़ा पहनने के बाद साड़ी वगैरह कैसा दिखता है। और ये जो अलमीरा है इसमें बिस्तर वगैरह है और सिस्टर लोग के डेली वेयर वाले कपड़े हैं, तो मैं इसे ओपन करके आपको नहीं दिखाऊँगी। और ये जो आप देख रहे हैं ना इतना सारा बक्सा, ये पुराने समय का है। मम्मी को इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा लगाव है, तो कुछ है नहीं इसमें, इन सब बक्सों में फ्रेंड्स मतलब मम्मी की जो है ना वो पुरानी यादें हैं, जैसे कि पापा ने जो उन्हें गिफ्ट की थी साड़ियाँ, या जैसे उनका बहुत चीज़ ऐसा है जो हटाना नहीं चाहती, अपने दूर नहीं करना चाहती हैं, तो इस बक्से में ही रखी हैं। और इस पूरे बक्से में साड़ी है और वो जो बक्सा आप देख रहे हैं ना उसमें जैसे शादी वगैरह में जो सिंदूर, चूड़ी, बाल में लगाने वाले हेयर बैंड, कंघी, ये सब जो होते हैं ना मिलते हैं। तो अभी तक छः लोग का, पांच लोग का हम लोग का शादी हो गया, तो वो सारे जो शादी में उतरते हैं आते हैं सब लोग देते हैं, तो उन सारे बक्सों में जो है मम्मी ने वो रखा है। अब वो ऊपर में है, वो खाली है वैसे ही है। और इधर लगेज है, ये हम सब के लगेज हैं और हम लोग अब कल अपने अपने ससुराल चले जाएँगे, तो अभी थोड़ा पैकिंग करना बाकी है। और ये सब देखिए, ये सब हम लोग के लगेज हैं, ये सब। ये अलमारी इतने अच्छे से छोटी वाली सिस्टर रखती है, पर बच्चों के कारण ये पूरा बिखरा बिखरा है। और ये देखिए दो चौकी है और हर कमरे में दो चौकी मिलेगी, क्योंकि जब हम सब सिस्टर लोग इकट्ठा होते हैं बच्चे लोग तो हम लोग की जो जनसंख्या वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए मम्मी ने हर रूम में बिछाया है कि जब भी हम लोग इकट्ठा हो ना तो सोने बैठने का बिल्कुल कोई भी परेशानी ना हो। तो अभी मैं आपको किचन में ले चलती हूँ, आइए। किचन है और कुछ इस तरीके से छोटी वाली सिस्टर ने इसे डेकोरेट करके रखा है। ये बर्तन रखने वाला स्टैंड है, पर दो था तो एक वहाँ पे बर्तन रखा हुआ है और दूसरे में जो है वो डब्बा वगैरह, जैसे कि मिक्सर जार वगैरह हो गया, तो छोटे छोटे डब्बे में जैसे गर्म मसाले हो गए तो वो है, पूजा वाले सामान है इसमें। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये तीन सेल्फ बने हुए हैं देखिए। और ये जो ऊपर का सेल्फ है ना वो पूरा मतलब चारों तरफ से है और चारों तरफ से किनारे में देखिए डब्बा रखा हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ है, जैसे अचार हो गया आम का और मिर्ची का, मतलब ऐसे कुछ तेज़पत्ता जो एक्स्ट्रा दाल आता है वो सब मम्मी बड़े बड़े डब्बों में करके किनारे रखी हुई हैं। और ये देखिए इसमें जो है कांच के आइटम है और कुछ कॉकरी सेट है
ये कप वगैरह जो है इस पर अभी थोड़ा अस्त व्यस्त है, आप समझ ही रहे होंगे। तो और इस पर यही मतलब इस पर वही रखा जाता है और कुछ नहीं। और इसलिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये सिंक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सिंक है, और यहीं पे बर्तन वाश करके यहाँ पे लगा देती है। यहाँ पे जो है जो स्पून वगैरह है जो मतलब सब्जी वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे गैस है, गैस के सामने खिड़की है, तो जो भी हम लोग यहाँ पे खाना बनाते हैं ना तो छौंकते हैं, इसलिए मम्मी यहाँ पे खिड़की लगवा दी है कि जो उसके गैस है जो तेल उड़ता है ना वो डायरेक्ट बाहर चला जाए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब मैं कुंवारी थी ना, जब मेरा शादी नहीं हुआ था, तो ये वाला मैंने मम्मी से कह के बनवाया था कि मम्मी ये थोड़ा सा निकलवा दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ऐसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है साईं बाबा के लिए जो खाना बनता है बृहस्पतिवार को, वो पूजा के सारे आइटम है। नॉनवेज बनता है तो वहाँ बाहर लॉबी में बनती है आंगन के पास, और ये पूरा जो है वो व्रत के लिए है। और यहाँ पे जो है बस तेल चीनी नमक का डब्बा है, बाकी जो गरम मसाले होते हैं वो सब वहाँ है, और पूजा के सारे डब्बे यहाँ हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो है इंडक्शन है, जैसे दोनों पे खाना बनता है, गैस पे भी बनता है, इंडक्शन पे भी बनता है, और यहाँ पे मिक्सर है। तो किचन जो है हमारा कुछ इस तरीके से है। फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ दिखाने जा रही हूँ, ये देखिए मम्मी ने माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर जो है वो किचन में लगाई हुई है। उनका मानना है कि माँ अन्नपूर्णा का किचन में तस्वीर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो किचन का जितना भी होता है फ्रेंड्स राशन वो इन्हीं के द्वारा आता है, तो मम्मी ने लगाया है। वैसे भी हमें अन्न को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हमें भी अपने किचन में लगाना चाहिए माँ अन्नपूर्णा का तस्वीर। तो नॉनवेज मम्मी के किचन में बनता नहीं, तो उन्होंने यहाँ पर लगा दिया है, और हमेशा इनका पूजा वगैरह करती रहती हैं। तो अभी चलिए मैं आपको ले चलती हूँ सीढ़ी के पास। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको अपने सीढ़ी और आंगन के एरिया में लेके आ गई हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सीढ़ी जो है वो छत को जाती है, और छत पे भी एक रूम बना है, पर मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आंगन है, और जब शादी वगैरह होती है ना तो खाना यहीं पर बनता है। जैसे ज़्यादा लोग रहते हैं, 100-150 का खाना, 200 लोगों का खाना, या बर्थडे हो या कोई भी ऐसा फंक्शन हो गया जिसमें 150-200 आदमियों का खाना बनता है, तो यहीं पे बनाया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे सिंगल लोढ़ा है, और ये देखिए ये पूरा एरिया यहाँ जो है सिलाई मशीन रखी हुई है, और यहाँ पे एक टेबल है, और फ्रिज के सारे बॉटल है, जैसे जो खाली हो गया हो यहाँ पे रख देते हैं, फिर फिल्टर से पानी भरकर फ्रिज में रख दिया जाता है। और कुछ इस तरीके का जो आंगन का स्पेस है वो आंगन का स्पेस है। और ये देखिए ये चापाकल है, और ये देखिए हमारे यहाँ नहीं मिलता है नल्ली, और ये समर टेबल है मम्मी का यहाँ पे। और फ्रेंड्स तो ये रस्सी है ना, तो इस रस्सी पे सिर्फ बारिश के लिए लगा रहता है, बारिश में कपड़े डालने के लिए, सूखने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, हम लोग कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो ये डाला गया बाद में मम्मी से खोल देंगी। यहाँ पर भी मिरर लगा हुआ है, ये बेसिंग का एरिया है, बेसिंग का एरिया है, यहाँ पे मुझे मम्मी ने मिरर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ लोग मेकअप कर लेते हैं। और ये बेसिंग है, यहाँ पे टावल है, ये हैंड वाश है, और जस्ट इसके ऊपर ही मम्मी ने फिल्टर कर लगवा दिया है कि जैसे पानी वगैरह गिरता है ना तो ये आंगन में ही रह जाएगा, अंदर कहीं नहीं होगा। और यहाँ पे जो है वो घर में जो पोछा वगैरह होता है डस्टिंग का, वो तो उसके लिए ये डस्ट उठाने वाला, और ये सब पोछा वगैरह वाइपर सब इस एरिया में रखा जाता है। ये एक और रूम की खिड़की है, और ये देखिए फ्रेंड्स आंगन के जस्ट यहाँ पे ये एरिया है, और ये बाथरूम है, ये लैट्रिन दोनों है, वो कम्बोर्ड वाला है, और ये हिंदी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स वॉशिंग मशीन यहाँ पे है, और ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये कल के वॉशिंग के कपड़े रखे हुए हैं ऐसे ही सब लोग के, तो इसे मैं किनारे कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मम्मी को शादी के समय मिला हुआ था। मैं सोच रही थी मैं जब भी होम टूर का वीडियो बनाऊंगी तो आपको ये दिखाऊंगी, ये बहुत पुराना है, मुझे शायद ये 40 साल का तो होगा ही होगा। और ये मेरे नाना ने मम्मी को दिया था, और कहीं से भी ना ये ख़राब हुआ है ना कुछ है, और आज के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत है, नाना ने बहुत मजबूत बनवा के दिया था मम्मी को। पहले के ज़माने में बक्सा अलमारी नहीं होता था, लोग ये संदूक इसे कहते हैं, ये संदूक अपनी लड़कियों को गिफ्ट में देते हैं। मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि ये इधर वॉशिंग मशीन से आधा कवर हो गया है, और कुछ ये रखा हुआ है, तो आप ये देख लीजिए कुछ किस तरीके का डिज़ाइन है। इसमें मम्मी बर्तन रखी हुई है, जैसे जब
ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो बड़े बर्तन, बड़े पलटा, बड़ा थाली, शादी वगैरह में बनाने के लिए खाना, तो बड़े बड़े बर्तन इसमें रखे हुए हैं। पहले मम्मी इसमें कपड़ा रखती थी, और जब हम लोग पैदा हुए तो कुछ दिन बाद जब मम्मी बक्सा वगैरह लिया, अलमारी वगैरह, तो इसमें रखने लगी। तो ये हमारे आंगन का एरिया है, और अभी मैं आपको ले चलती हूँ एक दूसरे वाले रूम में। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट रूम है, ये देखिए कुछ यहाँ पर भी दो चौकी लगी हुई है, और इस कमरे का जो कलर है वो ब्लू कलर का है, वही सेम डिज़ाइन इसमें भी बनी हुई है वॉल पे। और यहाँ पे खिड़की जो मैं दिखाई थी आपको बेसिन की तरफ ना, वो वाली खिड़की है ये, और कुछ इस तरीके से डेकोरेट है ये जो रूम है। देखिए छोटी छोटी सिस्टर ने कुछ इस तरह से इसे डेकोरेट करके रखा है। फ्रेंड्स, अलमारी है, और इसमें जो है जैसे बहुत सारे सामान रखे हुए, कपड़े वगैरह हैं, गिफ्ट्स वगैरह हैं, जैसे काफ़ी गिफ्ट मिलते हैं, तो कुछ गिफ्ट इसमें छोड़, इसमें कुछ जैसे बर्थडे वगैरह में काफ़ी गिफ्ट मिल जाते हैं ना, तो वो सब इसमें रखे हुए हैं। और कभी कोई चीज़ टूटता फूटता है तो निकाल के डेकोरेट हो जाता है, वरना इसमें रख दिए जाते हैं। और कुछ नए कपड़े भी हैं इसमें, और ऊपर का जो ये टाँड है ना, तो यहाँ पर कुछ डेकोरेट किया हुआ है, और पीछे जो ढका हुआ रखा हुआ है वो भी मम्मी ने कुछ रखा है, मुझे नहीं पता वो क्या है। फ्रेंड्स, एक टेबल है, तो इस रूम में मम्मी ने ज़्यादा कुछ फर्नीचर का आइटम नहीं रखा है, खाली खाली है, क्योंकि जब शादी वगैरह पड़ता है ना तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसी वजह से ये रूम खाली खाली है। और हम लोग जब आते हैं तो आराम से, थोड़ा स्पेस भी है यहाँ पे, आराम से बैठते हैं हम लोग। घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है तो ये है, और इसे मैं कैसे दिखाना भूल सकती हूँ। तो आइए हमारे मंदिर में, हम मंदिर में आ जाते हैं। ये देखिए घर का हमारे मंदिर है, और जहाँ रोज पूजा होती है, जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है पूरे घर में। और हम लोग जब पूजा करते हैं तो हमें डेली पूजा करना चाहिए, तो हमारे यहाँ हमारी मम्मी लोग यहीं पे पूजा करती हैं। और ये देखिए, आप देखेंगे तो सोचेंगे कितने सारे भगवान रखे हैं, पर मेरी मम्मी को अच्छा लगता है हर देवी देवता, ऐसे कौन से देवी देवता है जिस मंदिर में आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है मंदिर को मम्मी डेकोरेट करके रखी हैं, और भगवान लोग के लिए यहाँ पे फैन भी रखी हुई है कि उन्हें गर्मी ना लगे। तो प्लीज़ आप लोग कोई कमेंट ऐसा वैसा मत करिएगा, क्योंकि वो उनकी श्रद्धा है और उनको अच्छा लगता है कि वो फैन लगाए भगवान लोग के लिए, तो वो इसलिए अपनी अपनी श्रद्धा होती है कि जैसे मन हो वैसे आदमी अपने भगवान को अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजे, तो उनका ये तरीका है। और यहाँ पे एक सेल्फ है, इसमें मम्मी ने पूरा पूजे का सामान जो है रखी है। ये कैबिनेट है, इस कैबिनेट में सभी देवी देवता के कपड़े हैं जो डेली नहलाने के बाद पहनाए जाते हैं। तो आप मंदिर का जो है टूर कर लीजिए। तो ये है मंदिर का टूर, मैंने आपको होम टूर के साथ साथ मंदिर का भी टूर करा दिया। तो मेरा होम टूर कैसा लगा आप सभी को, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए, होम टूर कराते कराते मुझे इतना पसीना हो रहा है, जब से फीवर मेरा उतरा है ना मुझे बहुत पसीना हो रहा है। तो कैसा लगा मेरा मायके का होम टूर, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेरा तबीयत ख़राब था फिर भी मैंने ब्लॉगिंग को बंद नहीं किया, मैंने उसे कंटिन्यू रखा आप लोग के लिए। तो प्लीज़ मुझे पूरा सपोर्ट करिए, और मेरे सभी वीडियो को वाच करिए, फुल वाच करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और थोड़ी वीकनेस लग रही है, फिर भी मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गया है, मैं दो दिन से आप लोग को कोई भी तीन दिन से ब्लॉग नहीं दे पाई हूँ, तो इसलिए मैंने हिम्मत करके और वीडियो बनाया। मुझे टाइफाइड हो गया है, और डॉक्टर बिल्कुल कम्प्लीटली बेड रेस्ट बोला है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग के लिए जो वीडियो बनाया, तो प्लीज़ मुझे पूरा सपोर्ट करिए। और अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, तो बाय बाय फ्रेंड्स।